डॉल्फिन से लेफ्ट पे जाना है, मुझे पता है डॉल्फिन है, पता नहीं क्या है, ये मुझे भी नहीं पता। डॉल्फिन से लेफ्ट पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मनोरा बीच बाय रोड मुकम्मल रास्ते की मालूमात। तो भाई जब कराची में होती है तबाही वाली गर्मी तो सब निकलते हैं पिकनिक की तरफ और समंदर की तरफ। तो आज हम निकले हैं मनोरा बीच की तरफ। तो हम जा रहे हैं बाय रोड और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाय रोड मुकम्मल रास्ते की मालूमात। यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की है सिर्फ डॉल्फिन से, लेकिन जो हम वापसी का रूट शेयर करेंगे उसमें हम मैंने आपके साथ मुकम्मल मालूमात रास्ते की शेयर की है, तो वो वीडियो में आगे आपको मिल जाएगी। तो चलिए जी, यहाँ पर हम जा रहे हैं मनोरा बीच बाय रोड और डॉल्फिन से हमें लेना है लेफ्ट साइड पर। और जब आप लेफ्ट साइड पर लेंगे तो ये रोड जो है हम जिस पे जा रहे हैं ये रोड आपको नज़र आ जाएगी। इस तरह की हर्ष बनी हुई सब नज़र आ जाएंगी, इस रोड पर आप आ जाएंगे। भाई सुबह ये हुआ सीन यहाँ पे के हमने कहा चलो गूगल के जरिए हम चलते हैं, तो गूगल भाई साहब ने हमें ऐसा घुमाया घूम फिर के वो एक ही जगह पे लाके खड़ा कर रहे थे। फिर हम किसी तरह यहाँ तक पहुँचे डॉल्फिन तक और डॉल्फिन से आगे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं वापसी की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें मुकम्मल जो है रूट आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह यहाँ तक पहुँचना है ईजीली। ये सुबह का ही टाइम है और हम निकले थे सुबह घर से, जल्दी निकल गए थे और पहुँचते पहुँचते यहाँ पे धूप आ गई अच्छी खासी तेज़ी है और एक घंटे में हम यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि कुछ एरियाज़ आपको रास्ते में ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता, ना आप कोई पिक्चर बना सकते हैं ना आप वीडियो बना सकते हैं। और बस हम अब हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी देर रह गई है और हम पहुंच जाएंगे मनोरा बीच। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मनोरा बीच। सामने आपको गेट नजर आ रहा होगा मनोरा बीच का, जो कि नए तर्ज का बना है मनोरा बीच। उसका ये गेट है, एंट्री टिकट है यहाँ पर जाने के लिए। आ गया आपका मनोरा बीच, पहुँच गए, थैंक यू सो मच। बस यहाँ पर जो मज़ार है उधर जाने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जाना होगा। यहाँ पर अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक सामने मेन गेट से जो मैंने अभी आपको दिखाया है और दूसरा मज़ार की साइड से, बैक साइड से भी एक गेट निकाला गया है। यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है और फिर मजार आ जाएगा। ये नेट हटी हुई है ना यहाँ से इस तरफ। तो हमने यहाँ कार पार्क की है मजार की साइड पर और ये अंकल जा रहे हैं ब्राउन कपड़ों में। तो यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता है मज़ार का, आप अंदर जा सकते हैं। ये छोटी सी गली दी गई है मज़ार के अंदर जाने के लिए और जो दूसरा रास्ता है आगे की तरफ है, ये गेट है बैक साइड से, गेट नंबर 2 मज़ार की तरफ से मनोरा बीच जाने का। और यहाँ पर फिश पॉइंट वगैरह भी हैं। अब मैं आपके साथ वापसी का रूट शेयर कर रही हूँ यहाँ से। दे दो आगे मुझे, अगर देना है तो मुझे ना। तो यहाँ से हमारी वापसी स्टार्ट हो चुकी है, मनोरा बीच से वापसी है हमारी ये।
सामने आपको जो मंदिर दिख रहा है इसका नाम है श्री वरुण देव मंदिर। बेसिकली जो है हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन मनोड़ा आइलैंड कराची। बेसिकली जो मनोड़ा है फेमस है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइट हाउस भी है जो कि बहुत पुराना है। अच्छा जी, जो बगैर टिकट के जाना चाहें ये रास्ता है, चाहते हैं तो यहाँ पर यह रास्ता दिख रहा है आपको, आप यहाँ से जा सकते हैं बगैर टिकट के। इसके अलावा जो मनोड़ा फेमस है वो अपनी मिट्टी की वजह से फेमस है। यहाँ की जो रेत है वो सैंडी बीच के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं वापसी के लिए। ये वापसी का रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह आपको आना है। यहाँ से वापसी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे हवा से कपड़े ड्राई होना शुरू हुए हैं तो सारी रेत ही रेत झड़ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आगे आने वाला है डॉल्फिन वाला स्टॉप। जो चौरंगी है ये डॉल्फिन की यहाँ पर आने वाली है, जहाँ से आपको आना था और यहीं से आपको जाना है। इसके आगे आपको नहीं जाना है। ये देखिए ये डॉल्फिन है, ये आपकी निशानी है कि आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना होता है आने के लिए। और इस तरह की यहाँ शॉप्स बनी हुई हैं, अगर आपको कुछ बाय करना होता है, भूल जाते हैं या ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं तो वो आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह का ये रूट है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मस्जिद है बनी हुई निशानी के तौर पर, आप देख सकते हैं कि आप सही रूट पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लगा है रूट के रन नहीं बने।